अरे आंटी हंस क्यों रही है मुझे देख के? ऐसे कोई नाचता है रोड पे? आंटी घबराओ मत, मैं हॉस्पिटल गई थी तो उन्होंने बोला मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। हैप्पी कोविड। हैप्पी कोविड क्यों बोला बेबी मैंने? वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज दोबारा से टाइम आ गया है डॉक्टर के पास जाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया है मेरे को कानों की मेडिसिन खाते हुए और कानों में मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। सो एक ये जो बजिंग साउंड है ये जानी बहुत जरूरी है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि क्या हुआ है। तो उसके लिए डॉक्टर ने कहा है कि वो एक ऑडियोग्राम टेस्ट निकालना है, तो उसके लिए हम दोनों अभी इमीडिएटली निकल रहे हैं। 11 बज रहे हैं, 11:30 की अपॉइंटमेंट है। तुम तैयार हो बेबी? मैं तो तैयार हूँ। ये पूरी बात तुमने चश्मा लगा के क्यों बोली है? चश्मा लगा के बोली है, थोड़ा सा वो स्वैग आ जाता है ना उसमें। अब मुंह इतना बड़ा हो चुका है लॉकडाउन में कि मास्क भी फिट नहीं हो रहा, बता। एक्सेल साइज मास्क लेना पड़ेगा। तू यहाँ क्यों बैठी है भाई? दरवाजा खुलते वहाँ क्यों है तू? तो तुम्हारा रास्ता घेर के बैठी की जाने नहीं दूंगी। ये क्या मतलब हुआ भाई? अंदर चलो। चेरू बेटे रास्ते में बैठ गए हो, हम कैसे निकले? चल यहाँ से बढ़िया ही, चल अंदर। पहरेदार है ना, वॉच डॉग है ना, चल अंदर। वॉच डॉग है ना इसलिए उस पे दरवाजे पे बैठा है, चोरी करवाऊंगा मैं। इसके मेरे नेल्स भी काटने हैं मुझे। इसके मेरे नेल्स काटने हैं? इसके नेल्स मुझे काटने हैं, क्योंकि मैंने देखा है ये, मैं जब इसको नीचे वॉक कराती हूँ ना तो ये ना इसके कुछ खचड़ खचड़ की आवाज आ रही है, विच इज नॉट गुड। तो ये चलने में प्रॉब्लम दे रही है, तो मैं सोच रही हूँ एक व्लॉग उसका भी काट दूं। अरे यार ग्लव्स बेबी। ओहो, ओहो, बिना ग्लव्स के कहाँ जा रही थी? ओह माय गॉड, ग्लव्स यार पहली बार हुआ यार बिना ग्लव्स के हम लोग निकल रहे थे। ऐसे कैसे करा तुमने? मैंने किया जो किया, तुमने क्यों किया ये? मैं तो व्लॉग बना रहा था। नहीं तो तुम्हें व्लॉग पे ये पता नहीं कि कुछ खचड़ पचड़ नहीं हो रहा हाथ में? पता चला तभी तो तुम्हें बोला खचड़ पचड़ नहीं हो रहा। पहन लिया बस। अरे दूसरी गाड़ी बंद पड़ जाएगी यार, उसको चला के छोड़ना है। बेबी चला के छोड़ नहीं सकते ना, ये तो तुम नीचे उतरो और उस समय पास। नहीं नहीं तो राकेश को दे दो ना चाबी, राकेश कर देगा ना। हाँ तो ये बोलना पड़ेगा ना, मैंने कॉफी पी ली है, ये ना हो कि मेरे को बार बार तुम लोग बाथरूम जाना पड़े। हॉस्पिटल भी जा नहीं सकते बेटा, एक बार ना पहुंचा इधर से भी घुमाने दे, मैं यहां से जरा पहुंचा यहां से भी घुमाने। हां चले। हां दरवाजा बंद कर दो, बस हो गया, बाहर से निकलना बंद कर दो ये दरवाजा। मैं मिलती बाद में आपको। ये तो निकाल देना मास्क अभी। हाँ। हम दोनों एक दूसरे से क्यों हैं? मास्क उतार। एक दूसरे से ज्यादा खतरा होता है बेबी? वो होता है लेकिन हम तो खतरे के साथ ही रह रहे हैं ना, जब रह ही रहे हूँ मैं तुम्हारे साथ तो खतरा किस बात का है? खतरा तो 24 घंटे बना हुआ है। तो जी हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और अभी पिछले हफ्ते के मुकाबले जब हम गए थे डॉक्टर के पास थोड़ी सी गाड़ियाँ ज्यादा लग रही है। नहीं बेबी ज्यादा लग रही है, मुझे नहीं लग रही है, मुझे कम लग रही है कंसीडरिंग जो टाइम है, ये तो पीक आवर्स है। चश्मा भी लगाया हुआ ना तुमने, उतार के देखो। सबसे बेबी डेंजरस जोन इस समय मुंबई है ना, हम सबसे डेंजरस जोन में रह रहे हैं। दिल्ली निकल जाए क्या? लेकिन बच्चे बच्चों का क्या करेंगे? अभी फ्लाइट बच्चों को नहीं लेगी। किन बच्चों की बात हो रही है? हमारे बच्चे छोटे नटखट, उनको तो वैसे भी नहीं लेगी। लो जी आ गए अस्पताल। तो उसके पीछे लगा दो ना गाड़ी के, यू टर्न ले। तुम हमेशा उल्टा ही क्यों कराना चाहते हो? जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे क्यों नहीं कराना चाह रहे हो? जब मैं कुछ करने लगती हूँ उल्टा बताने लग जाते हो मुझे, तुम्हारी हमेशा क्या आदत है दुबे? सेठानी जब ये रही पार्किंग वहाँ नहीं लगाऊ मैं, हमेशा इस गेट के सामने पार्क करती हूँ तुम। तो गेट भी तो बंद ही है अभी। बंद है ना, उस दिन बंद ही था। हमें रियलाइज हुआ हम टाइम से काफी पहले पहुँच गए, 11:30 पहुंचना था, 11:15 पहुंच गए। तो अब संभावना कह रही है मैं नमकीन लूंगी। जब टाइम से पहले है तो हॉस्पिटल वाले अंदर लेंगे क्यों? अभी 11:19 हुआ है, 11:30 की अपॉइंटमेंट है। वहाँ जाके हॉस्पिटल में बैठने से तो बेटर है ना कुछ नमकीन वगैरह खरीद ले जो खाते भी हम मैं। तो हमें अभी भी पता चला है कि जिस घड़ी में हम टाइम देख रहे थे वो घड़ी गलत है, तो हम वापस हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं लेकिन एक नजर तो मार ही सकते हैं। नहीं बेबी ये रहा ना, नहीं बेबी क्या ये रहा, कान भी ये रही, एक मिनट भी नहीं लगेगा। हमारे ग्लव्स वगैरह ऑर्डर किए थे तुमने अमेजोन से, वो क्या हुआ उसका? आ रहे हैं रास्ते में। ये रास्ता खो गए हैं क्या? बहुत दिन हो चुके। मेरा बेबी ऑडियोग्राम चेक हो गया, वहाँ पे अलाउड नहीं था कैमरा ऑन करना, तो अभी मैं केमिस्ट के यहाँ पे हूँ और मैंने कैमरा ऑन करके आप लोगों को ये बताना है कि मुझे पता लगा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ फ्लूइड है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, बाकी ऑल इज ओके। कैसा लग रहा है बीबी? तुम्हारी बीबी एकदम ठीक है? मुझे तो पहले से ही पता था, बीबी को आज पता चला। I'm so happy today. पता है कितना रिलीफ मिलता है जब आपको ये मालूम पड़ता है कि यू नो कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं है, मेजर छोटी छोटी चीजें हैं जो कि क्योर हो सकती है, वरना पता है कितने दिन तक मैंने कितना वो स्ट्रांग बनी रही है, डर के बाद भी मैं डरी हुई थी अंदर से लेकिन स्ट्रांग बनी रही। आज वो वक्त आ गया है कि आयुष होगी हैप्पी, सब देख रहे हैं। मेरे डॉक्टर ने मैसेज क्यों नहीं किया? मैं वेट कर रही हूँ, डॉक्टर ने दवाई भेजनी थी। एक एक भैया वाइसलोन दे दो 10 mg, बस और तो कुछ नहीं था ऐसा। थैंक यू, तुम भी कर लो। थैंक यू भाई।
आप भी लड़ो, मेरा कान ठीक है। अरे आंटी हंस क्यों रही है मुझे देख के? ऐसे कोई नाचता है रोड पे? अब मेरे कान को कुछ नहीं हुआ, सांस चढ़ गई, बेबी सांस नहीं आ रही है। आंटी ना अभी तक इसमें में कि क्या हुआ है मुझे, ये पागल लड़की है। आंटी को ऐसा लग रहा है, आंटी को बता देती हूँ। पता है किसी को पता लगता है कि आपकी तबीयत ठीक है तो वो खुश होता है इंसान। मैं आंटी को बताना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, बता देती हूँ। आंटी घबराओ मत, मैं हॉस्पिटल गई थी तो उन्होंने बोला मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। हैप्पी कोविड। हैप्पी कोविड क्यों बोला बेबी मैंने? अब कहाँ जा रहे हैं हम? अच्छा हम तो घर के लिए जा रहे हैं। अरे क्रोमा खुल गया। अरे क्रोमा खुल गया? क्रोमा कैसे खुल गया? बेचारे क्या करे ना, उनकी मशीनें सड़ रही हैं, वो भी क्या करेंगे बेबी। बेबी अभी यहाँ तक आए, मैं कहाँ छोटा सा काम कर लें क्या? क्या? प्लीज बेबी मना मत करना। बेबी प्लीज अगर अगर दुकान खुली है नेस्प्रेसो के कैप्सूल्स ले लूंगी ना, प्लीज बेबी। हाथ जोड़ती पास में ही है बिल्कुल। एंड आई एम हैप्पी आल्सो। चलो देखते हैं। कान बंद है लेकिन खुश होना चाहिए बेबी, खुशी का ना इजहार करो तुम मेरे साथ। इंसान को खुश रहना चाहिए बेबी, इंसान को खुश रहना चाहिए किसी भी मोमेंट में। कान बंद है बस। ठीक निकली बेबी, मैं ठीक निकली। पापा को फोन कर दो जरा, पापा चिंता में थे, जरा फोन देना मेरा। तो अपने कान का प्रॉब्लम ठीक हुआ है, ये पापा को बताओ कि जिनको ऑलरेडी कान का प्रॉब्लम है। मेरे पापा को तो कान का प्रॉब्लम है, ऊंचा सुनते हैं। फिर भी कोशिश करती हूँ, लगाओ जरा फोन पापा को, पापा को बता दूँ ना, बहुत चिंता में थे पापा। हेलो। हाँ जी पापा। हाँ बेटा। अच्छा पापा मेरा वो ऑडियोग्राम हो गया, टेस्ट हो गया है? हाँ, हाँ, हाँ। कुछ ऐसा मेजर नहीं है पापा, वो इन्फेक्शन ही है कान का जिसकी वजह से हो रहा है। हेलो पापा दोबारा मिलाना। तुम क्यों चिल्ला रही हो लेकिन? क्योंकि उनको सुनाई नहीं देगा ना। हाँ जी। हाँ जी पापा, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा नर्व का इशू नहीं है, कुछ नहीं है। वो कान में जो कॉफ जमा हो गया ना उसकी वजह से हो रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा। मैं समझ रहा था। नहीं, अभी तुम बाहर हो? हाँ अभी तो गाड़ी में हूँ ना, तो गाड़ी से फोन करके आपको बता रही हूँ, हॉस्पिटल से निकली हूँ। खाने पीने के लिए कहीं ना बैठना? खाने पीने के लिए कहाँ बैठूंगी मैं पापा, बैठने के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए ना, सड़कें ऐसे ना। मेरा पता नहीं होता इसलिए कह रहा हूँ, बुरा थोड़ी बोल दिया। लेकिन पापा खाने पीने के लिए अगर मैं कहीं बैठूं तो उसके लिए बैठने के लिए वो जगह भी तो खुली होनी चाहिए ना पापा, उनके गेट पे थोड़ी बैठ जाऊंगी। ठीक बात है, तो मैं अपने घर पे चली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है पापा, शाम को बात करती हूँ। तो हम लोग आए थे लेकिन संभावना की कॉफी नहीं मिली, कॉफी खत्म हो गई है, उन्होंने कहा एक दो दिन में पता करना, मिल जाएगी कोई बात नहीं। चले हम वापस, यू टर्न। हम अपने घर के नीचे पहुँच चुके हैं और यहाँ से लेंगे अब थोड़ा सा सामान, थोड़ा छोटा खड़ा मसाला नहीं है, फूल वगैरह होते हैं जो। अरे लौंग बचा बाकी तो खत्म। लौंग तो है घर में, दो दही दे दो और वो पिकनिक पेपी वो सब दे दो। जैप्सन के पीनट्स ले लो। जैप्सन है खत्म हो गया। दो ब्रेड दे दो। आलू भुजिया ले लो भैया। एक किसान टमाटो दे देना। केले का चिप्स है क्या? छोटी वाली है क्या? नहीं प्लेन नहीं, ये कौन सी है? ये कौन कौन सी फ्रूट एंड नट है? दोनों अलग है। तीन और दे दो प्लेन वाली। ये बोतल किसके साथ फ्री थी भैया? एक बोतल लेके गई है, आइस टी के साथ बोतल फ्री है। ये पांच दे देना, ये दो अपने हो गए, ये हमारे हैं। एक बैग दे दो ना, इधर से कुछ लेना है ये ले लो, ये भी दे दो एक। मैंगलोरी में नहीं नहीं नाम अच्छा। तो क्या करना है, नाम अच्छे से क्या होता है, हमें इसका काम थोड़ी पता है। घटिया लेना है? घटिया नहीं, गाठिया कहते हैं इसको। बेल मिक्स? नहीं नहीं। मुरुक्कू? नहीं। अब तुम्हें सब कुछ चाहिए, पहले कुछ नहीं चाहिए था। बेबी चाय पीने का मन कर रहा है, चाय पियेंगे? दोस्तों आजकल मैंने देखा कि लोग ना पानी पूरी बहुत ले लेके जा रहे थे, तो हमने जिस बेकरी से सामान लिया, बेकरी वाले भैया ने बताया कि वो एक दिन में, अरे हद हो गई यार, 5,000 पूरी बेच रहे हैं। लोग लॉकडाउन में इतनी पानी पूरी क्यों खा रहे हैं? समझ नहीं आ रहा कि कैसे खा रहे हैं। गलों का दर्द, मतलब गलों का डर नहीं लग रहा आप लोगों को? बट बेबी आई थिंक ना देयर इज नथिंग एल्स टू डू, लोग सिर्फ खा रहे हैं। व्हाट टू डू यार, एक यही एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है अपार्ट फ्रॉम योर नेटफ्लिक्स एंड ऑल, सो दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जहाँ पे आप देखते हो और खाते हो। दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल आर ईटिंग पानी पूरी। सब इकट्ठे है ना, ये भाईचारे का और ये प्यार का वो है। वुहान? वुहान? वुहान तो वही है ना, कोरोना शुरू हुआ था। हाँ, ये वुहान शब्द क्या मतलब? प्यार और भाईचारे का वुहान है, मतलब ये मिलन कह रही थी मैं। वुहान नहीं तो सबको मिलाया है। तो जी हम पहुंच गए हैं घर पे, अब तो तुम्हारा कान ठीक हो गया ना, सामान उठाओ, चलो सारा सामान उठाओ अकेले।
वो भी उठाओ दूसरा डब्बा। कहाँ से उठाऊं मैं दूसरा डब्बा, कैसे उठाऊं? चोटी पे बांध लो। जी मैं नहा के आ गई हूँ और अविनाश का वेट कर रही हूँ, चाय बन रही है, चाय पियेंगे। अभी हम सुबह से ऐसी टेंशन में थी ना एक्चुअली में, कि यार पता नहीं क्या रिपोर्ट आएगी, और जब रिपोर्ट आ जाती है और आपको पता लगता है कि देयर इज नथिंग मेजर, ये ठीक हो जाएगा, जितना भी टाइम लगेगा, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी उससे बहुत फर्क पड़ता है यार आपके मेंटल स्टेट पे। दिमाग खराब हो गया था। अब मैं मेरी छोटी चुनिया को लूंगी और गोदी में बिठाऊंगी छोरी को, ठीक है? क्या चेरी को ले? ये चेरी लाल 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 क्यों हुई है? आए हाय, ये लाल लाल क्यों किया हुआ है तूने अपना मुंह? अच्छा तरबूज खाया था। आज मम्मा के पास गोदी आएगा, गोदी आने मम्मा के पास। आज छोटे गुड्डू आ जाओ, चलो बालकनी में बैठेंगे थोड़ा अच्छा देर। आ गए तुम भी? ये क्या पहना हुआ है? ये क्या पहन के आए? कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है किसी चीज का बेबी। तो घर में ही तो रहना है, कॉम्बिनेशन किसके लिए बनाना है? स्टिल आ जाओ बेटा सब लोग। चेरी कोको, मैं क्या मेरे कुत्ते भी ऊंची आवाज में सुन रहे हो? घर में सबका ही ऑडियोग्राम कराना पड़ेगा लग रहा है। तो जी हमारी चाय आ गई है, ये मेरी या अविनाश की। मैं कितनी चीनी डालूं इससे? इतनी ठीक है, ये ठीक है। गरम है तुम्हारे लिए? ये मेरा छोना यहाँ बैठा हुआ है, मेरा कुकू आ गया यहाँ पे। अच्छा आप लोग सोचते रहते हो कि छोना यहाँ बैठाती है गिर जाएगी कहीं नीचे, आपको लगता है ये गिरने वालों में से है? ये यहाँ बैठेगी अगर नीचे कुछ नहीं होगा तो। दिखाती हूँ आपको, ये रहा नीचे सब कुछ है, ये देखो ये रहा ग्रिल भी है, ग्रिल है, नेट है, इसके नीचे है। तो आपको लगता है कि ये कहीं नीचे गिरेगी? चील तो आई थी उसे लेने। तो जी अब हम लोग बैठ गए अपनी अपनी चाय लेके, और अब हम बैठेंगे थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे हमारे बच्चों के साथ जो कि इधर उधर भटक रहे हैं आसपास ही। तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन आप लोग ये जरूर बताइए कि हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, कैसा लगे? कुछ था तो है नहीं, ऐसा कुछ हो तो रहा नहीं है लाइफ में, बट फिर भी अप्रिशिएट करो, बना रहे हैं। एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। चीयर्स बेबी, चीयर्स कर दो। बेबी एसिडिटी हो रही है बहुत ज्यादा। तो फिर चाय पी क्यों रहे हो? की और हो जाए, जहर जहर को काटता है ना। हाँ।